गुड मॉर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। टुडे वी विल अंडरस्टैंड क्वेश्चंस ऑफ रिवीजन वर्क। सो द क्वेश्चन इज ओबटेन द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। इसमें क्या करना है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसके लिए इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। सो फर्स्ट वाला देखते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, लेंथ दी है 5a, ब्रेथ गिवन है 3a² और जो हाइट गिवन है 7a⁴ है। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज। देखिए फिर वॉल्यूम जो होता है रेक्टेंगुलर बॉक्सेज का, वो होता है l इंटू बी इंटू एच। अब इसमें वैल्यू पुट करते, देखिए l है 5a इंटू बी जो है वो है 3a², यहाँ पे 3a² पुट करेंगे इंटू एच, एच जो है वो 7a⁴ है। अब ये जो नंबर है इन्हें मल्टीप्लाई कर देते, 5 3 15, 15 7 105, तो यहाँ पे लिखेंगे 105। अब ए वाले पार्ट देखेंगे, देखिए ये सब क्या है, सेम नंबर है। हम जानते हैं एक जैसे नंबर जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए ए लिखा, अब इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 मानेंगे, कुछ नहीं रहता तो 1 होगा। तो 4 में 2 ऐड किया 6, 6 over 1 7, तो ए की पावर क्या हो जाएगी 7, मतलब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 105 ए की पावर 7। इसी तरीके से इसका जो बी पार्ट है वो सॉल्व होगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे एल इंटू बी इंटू एच और इसमें इसकी वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर देंगे। अब इसका बी क्वेश्चन देखते, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें क्या करना है, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए इसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो देखिए इसमें ये जो फर्स्ट है वो इसकी लेंथ है और ये जो सेकंड वाली है वो इसकी ब्रेथ है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। अब इसमें जो एल है एल की वैल्यू पुट कर दें एल की जगह और बी की जगह बी की वैल्यू। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, देखिए फर्स्ट वाले में जो एल है वो है 3mn, यहाँ पे 3mn लिखेंगे इंटू बी, बी जो ब्रेथ है वो है 4np, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 4np। अब 3 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 4 12। अब m यहाँ पे m सिंगल है ना, इधर m नहीं है तो यहाँ पे m लिख देंगे ऐसे। अब n वाले देखें, देखिए n की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n²। अब यहाँ पे p सिंगल है तो p ऐसे लिख देंगे, तो इसका जो एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का वो हो जाएगा 12mn²p। इसी तरीके से इसका जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो सॉल्व होगा। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा के इसमें एल और बी की वैल्यू पुट करके इन्हें सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट आई होप यू वुड अंडरस्टूड, थैंक यू।